ओके सो हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही है। मेरा नाम है केतन और आप सभी का रीजनो मेनिया पे बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है भाई, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है क्लॉक, है ना। सिलॉक्स का जो वीडियोज़ हैं वो हमारा प्रॉपर चल रहा है। ठीक एक बजे हमारी जो वीडियोज़ होती हैं वो सिलॉक्स से रिलेटेड वो अपलोड की जाती हैं चैनल पे, और शाम को 8 बजे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं क्लॉक को। ठीक है, और अब क्या होगा कि क्लॉक की जो वीडियोज़ होंगी वो आपको शाम को 8 बजे प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको यही चीज़ कहूँगा कि भाई अब CGL जो 2018 है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जल्दी से जितना जल्दी आप हो सके अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, डेली यहाँ से कोशिश करिए कि एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए प्री के, और 1 मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए इंग्लिश का, मेंस का। ठीक है, अगर आप इतना करोगे तभी जाके आपकी चीज़ें अच्छे से हो पाएंगी। प्लस जो एक अच्छी बुक है लूसेंट हो जनरल स्टडीज़ के लिए आपकी, या फिर आप घटना चक्र परचेज करना चाहते हैं, जो भी आपको ठीक लगे उससे आप क्या करिए अपना GS सेक्शन को भी करते चलिए। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो हैं आपको वो मॉक टेस्ट में ही समझ में आ जाएंगे, उसके लिए अलग से आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। लेकिन ये जो 3 पेपर्स हैं इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है हर हालत में उसी दिन, मतलब ऑब्जर्वेशन भी उसी दिन करना। ठीक है, इस तरह से चलोगे तो अच्छे से हो जाएगा। ओके, चलो अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम क्या है भाई? क्लॉक। देखो ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? क्लॉक। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लॉक अगर एक तरह से देखा जाए, लेकिन पिछले कुछ टाइम से ये चीज़ देखा गया है कि अगर SSC ने, मान लीजिए कि SSC के 40 सेट बने हैं, फॉर एग्जांपल SSC CGL के, तो उन 40 सेट्स में से हो सकता है हार्डली 7 से 8 ऐसे सेट हों जिसमें क्लॉक का क्वेश्चन आया है। ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो क्लॉक में, मतलब क्लॉक से नहीं पूछा जाता। आजकल थोड़ा सा ऐसा सिनेरियो बन गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हमारे सेट में आ गया तो फिर क्या करेंगे, छोड़ तो सकते नहीं है। और वैसे भी इस समय क्या है कि GS और इंग्लिश पे इतना ज़्यादा कमांड नहीं हो पाती है बच्चों, तो आपके लिए क्या है कि मैथ्स और रीजनिंग ही वो 2 सब्जेक्ट्स हैं जिसको आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो, अच्छे से यहां पे आप अपना मतलब विद एक्यूरेसी आप यहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा वहां पे वो चीज देखनी पड़ेगी। देखो क्लॉक, क्लॉक को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? क्लॉक को हिंदी में हम लोग कहते हैं घड़ी। ठीक है, घड़ी है जो कि हमको बेसिकली पढ़नी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लॉक में। और क्लॉक में मेन चीज़ ये आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो क्लॉक में टोटल होते हैं 6 टाइप्स। ठीक है, टोटल अगर मैं टाइप्स की बात करूँ क्लॉक में, तो कितने टाइप्स हमें पढ़ने हैं भाई? 6 टाइप्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, ये 6 टाइप्स में क्या क्या है पहले तो उनको जान लो। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे सेपरेटली इन सभी 6 टाइप्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्लॉक में, अगर देखे जाएं जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से 6 टाइप्स हैं उनको एक बार जल्दी से देख लो। सबसे जो पहला वाला टाइप होता है क्लॉक में वो होता है बेसिक्स। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में जो बेसिक्स टर्मिनोलॉजी है क्लॉक की वो क्या है। ठीक है, तो जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है किसकी? क्लॉक की, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे घड़ी जो होती है, ठीक है, जो एक क्लॉक होती है हमारी, जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको बनाकर दिखाऊं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अगर क्लॉक है, तो इस क्लॉक के अंदर क्या होता है कि जो टाइमिंग लिखा हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 12, 3, 6, 9 इस तरह से अंदर भी इसके डिवीज़न होंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि 2 हैंड होते हैं ना, जैसे एक हैंड होता है, मान लीजिए कि मैंने ये वाला जो आपको हैंड दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये आर हैंड है, ठीक है, छोटा वाला आर हैंड है, और ऐसे क्या हुआ कि एक बड़ा वाला हैंड है कुछ इस तरह से, तो वो क्या हो गया, वो मिनट हैंड हो गया, और सेकंड हैंड भी होता है। ठीक है, तो 3 हैंड्स होते हैं, और ये इन तीनों हैंड्स का मूवमेंट कैसा होता है ये हमारा किस में आता है? बेसिक्स टर्मिनोलॉजी में आता है। ठीक है, तो बेसिक्स टर्मिनोलॉजी अपने में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये जान लोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा तभी क्या होगा आगे जो क्वेश्चन हैं वो अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में अच्छी बात क्या है कि सेकंड वाला जो हैंड है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, मिनट हैंड को और आर हैंड को बस, और हमें यहां पर कुछ भी नहीं पढ़ना एक्स्ट्रा। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई है मेरे ख्याल से, चलो इस पे बात करेंगे। फिर सेकंड जो आपको देखना होता है वो टाइप होता है आपका एंगल मेजरमेंट। ठीक है, अगला जो टाइप है आपका वो कौन सा है, वो होता है ये एंगल मेजरमेंट है, यानी कि आपको कोण को निकालना होगा, एंगल को पता करना होगा। जैसे वो आपसे क्वेश्चन देगा कि 2:35 पर, ठीक है, 2:35 पर जो आर हैंड है और जो मिनट हैंड है, ठीक है, जो घंटे वाली सुई है और जो मिनट वाली सुई है, उनके बीच का जो एंगल है अल्फा वो कितने डिग्रीज का होगा, या अल्फा कह लीजिए, थीटा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो कितने डिग्रीज का है, यानी कि 2:35 पे एंगल कितने डिग्रीज का होता है। वो कहेगा आपसे कि जैसे 3 बज रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3 बज रहा है, तो 3 बजे एंगल कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, तो यही चीज़ें आपको निकालनी होती हैं, समझ में आ रहा है आपको?
तो कुछ इस तरह से होता है, जैसे 2:10 पे एंगल कितना होगा, तो 2:10 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का एंगल 5 degrees होता है। ये कैसे हुआ, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके लिए हम लोग एंगल मेजरमेंट जब पढ़ेंगे टाइप नंबर 2 वहां पे बात करेंगे, ठीक है। जो थर्ड आपका टाइप होता है वो भी इंपॉर्टेंट है और कुछ हद तक मिलता जुलता ही है, लेकिन हाँ थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होती हैं इसमें। ये होता है आपका टाइम जोन मेजरमेंट, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है टाइम जोन मेजरमेंट। अब ये क्या बोला है, इसको भी देख लो, टाइम जोन मेजरमेंट को। इसमें ये होता है कि आपको एंगल दे देता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेकंड वाले टाइप में एंगल निकालना होता है, लेकिन थर्ड टाइप में आपको एंगल दे देता है और आपसे टाइम जोन पूछ लेता है। यहाँ पर उसने क्या करा, यहाँ पर आपको उसने टाइम जोन दे दिया था और एंगल आपसे पूछ लिया था। यहाँ पर कैसे क्वेश्चन देगा, वो आपसे बोलेगा कि जैसे 3 से 4 के बीच में, ठीक है, 3 से 4 के बीच में घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं यानी कि मिनट हैंड और आर हैंड है, वो कब कब 30 डिग्रीज का एंगल फॉर्म करेगा, यानी कि 3 से 4 के बीच में वो कौन से दो टाइम होंगे जब घड़ी की दोनों सुइयां क्या करेंगी, 30 अंश का कोण बना रही होंगी। वो 3:35 पे है या वो 3:44 कुछ सेकेंड्स पे है, वो क्या है, मतलब मैंने एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करी, तो वो हम देखते हैं टाइप नंबर 3 में, ठीक है। वो आपसे कहेगा कि 7 से 8 के बीच में कौन सा ऐसा टाइम है जब की दोनों सुइयां जो हैं वो 90 डिग्रीज पर होती हैं, तो ये सब कहां पर होगा, टाइम ही तो पूछ रहा है वो आपसे, तो टाइम जोन ही पूछ रहा है ना, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर कर लो आराम से, यहां तक भी कोई इशू नहीं है। इसके बाद देखो, 3 हो गया, 3 के बाद जो चौथा होता है वो इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, ठीक है। हालांकि इससे क्वेश्चंस इतने नहीं बनते हैं, लेकिन बाकी जो अदर एग्जाम्स होते हैं उसमें यहां से क्वेश्चन आते हैं। नाम है टाइप का, टाइप नंबर 4, रॉन्ग क्लॉक्स, ठीक है, गलत घड़ियां, ठीक है। घड़ियां जो होती हैं वो गलत करके दे देता है आपको। जैसे वो कहता है आपसे कि एक घड़ी है, ठीक है, जिसको सुबह 6 बजे सही से सेट किया गया, लेकिन उस घड़ी का नेचर है कि वो हर घंटे, ठीक है, 10 सेकेंड्स जो है वो स्लो हो जाती है। उसके बाद बताइए कि 3 दिन के बाद उसको दोबारा देखा गया, तो कौन सा 3 दिन के बीच में ऐसा सही टाइम आया होगा जब एग्जैक्टली उस टाइम पे घड़ी भी सही टाइम बता रही होगी, ठीक है। हो सकता है अभी आपको मेरी लैंग्वेज ना समझ में आई हो, कोई बात नहीं, लेकिन जब हम रॉन्ग क्लॉक्स को पढ़ेंगे तो फिर हम वहां पे अच्छे से डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। और ये वो टाइप है जो मैं आपको सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है, सबसे लास्ट में हम लोग इसको करेंगे, पहले हम बाकी के जो टाइप्स हैं उनको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये 4 तो क्लियर हो गए। इसके बाद देखो पांचवा टाइप क्या होता है, जो पांचवा टाइप है ये है आपका क्लॉक का मिरर इमेज, ठीक है, क्लॉक की मिरर इमेज आपसे पूछता है, तो हम इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। कैसे, जैसे वो आपको बोल देगा कि भाई 3:17 का बताओ मिरर इमेज क्या होगा, तो बहुत इजी होता है कि कैसे इसको हमें करना है, ठीक है, काफ़ी इजी है। बल्कि मैं आपको क्या करूंगा कि जब मैं आपको बेसिक्स टर्मिनोलॉजी, जैसे आज मैं आपको बेसिक्स टर्मिनोलॉजी पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसके बाद वाली जो क्लास होगी उसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कराने वाला हूं, मिरर इमेज ही कराने वाला हूं, ठीक है, प्रॉपर मिरर इमेज करेंगे, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको सीरियल बता दूंगा कि कैसे हम करने वाले हैं। इसके बाद देखो आखिरी जो टाइप होता है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो है क्लॉक के टाइम का वाटर इमेज। क्या है बताओ, वाटर इमेज है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये इस तरह से टोटल कितने टाइप्स आपको दिख रहे हैं, 6 टाइप्स दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये 6 टाइप्स जो हैं वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, इसके अलावा क्लॉक में, ठीक है, कुछ कंक्लूजन्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ कंक्लूजन्स होते हैं यहाँ पर, तो उन कंक्लूजन्स को भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जो कि हम मान रहे हैं टाइप नंबर 7, ठीक है, जो कि हम टाइप नंबर 7 मान रहे हैं। तो कुछ कंक्लूजन्स, जैसे कौन सा ऐसा टाइम जोन है, ठीक है, जैसे टाइम जोन नहीं बोलते, 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां यानी कि मिनट हैंड और आर हैंड, ठीक है, कितनी बार 90 डिग्री के एंगल पर होती हैं, कितनी बार वो संपाती होती हैं, कितनी बार मतलब ओवरलैपिंग होती हैं, है ना, कितनी बार जो है वो परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है, कितनी बार वो एक दूसरे पे कॉन्सेंट्रिक होती हैं। तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि कंक्लूजन्स होते हैं, ठीक है। जब हम ये पढ़ लेंगे ना एंगल मेजरमेंट को और टाइम जोन मेजरमेंट को, उसके बाद मैं आपको ये कंक्लूजन्स वाला जो टाइप है वो करा दूंगा, ठीक है, बिकॉज उसके लिए आपको कम से कम एंगल मेजरमेंट तो आना ही आना चाहिए, तभी हम इन कंक्लूजन्स पे बात करेंगे, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर घड़ी दिखाकर बताऊंगा कि हाँ अगर 90 डिग्री जो है वो 22 बार बनता है या 23 बार बनता है तो क्यों बनता है ना, क्यों जो है वो कम हो गया या क्यों ज़्यादा होगा, जो भी चीज़ें हैं हम अच्छे से बात करेंगे। तो ये टोटल 6 टाइप्स है और कंक्लूजन्स को मैंने एक अलग टाइप दे दिया, तो टोटल आपको यहाँ पर कितने टाइप पढ़ने हैं, 7 टाइप्स पढ़ने हैं क्लॉक में, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो एक बार हट जाता हूँ ताकि आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले पाएँ, ठीक है, काफ़ी ईजी है क्लॉक टॉपिक अगर देखा जाए। बस इसमें एक ही चीज़ है जो आपको प्रॉब्लम करने वाला है, वो कौन सा है, वो है शायद रॉन्ग क्लॉक आपको थोड़ा सा टिपिकल लगे, लेकिन इसमें भी 3-4 तरह के ही टाइप्स होते हैं, वो हम अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो रब कर दें इसको जल्दी से, चलो। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक्स टर्मिनोलॉजी, फिर हम देखेंगे मिरर इमेज क्लॉक की, फिर वाटर इमेज देखेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे सीधा एंगल मेजरमेंट पे। एंगल मेजरमेंट के बाद सीधा हम लोग कहाँ चले जाएंगे,
टाइम जोन पे मेजरमेंट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कंक्लूजन्स, फिर लास्ट में जाएंगे रॉन्ग क्लॉक्स के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो क्लॉक टॉपिक है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है क्लॉक टाइप अपने में ही, मतलब क्लॉक के सारे टाइप्स, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि थोड़ा सा फोकस रहिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर फोकस नहीं रहोगे तो फिर चीज़ें थोड़ा सा ख़राब हो जाएंगी, है ना। चलो सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप नंबर वन, इंपॉर्टेंट है। और टाइप का नाम क्या है बताइए? तो टाइप का नाम है बेसिक्स टर्मिनोलॉजी, ठीक है। देखो बेसिक्स टर्मिनोलॉजी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है जो आपको यहां पर पढ़ना है, ठीक है। क्या है बेसिक्स में? देखो अगर मैं बात करूं घड़ी की, तो पहले तो हमें एक प्यारी सी अच्छी सी सुंदर सी घड़ी बनानी पड़ेगी, तो हम बना लेते हैं उसको। ये देखो इस तरह से ये हमारे पास घड़ी है ना, 12, 3, 6 और यहां पर 9, ठीक है, ये देखो इस तरह से। और हाँ एक चीज़ और, अभी रिकॉर्डेड वीडियोस आ रही हैं आपके पास, कोशिश कर रहा हूँ कि नेट का जो पैक है वो मैंने चेंज करने के लिए बोल दिया है, ठीक है। बल्कि मैंने भी जो अपने घर पे लगाया हुआ था उसको मैं अपडेट करा रहा हूँ, तो हो जाएगा जैसे ही, तो फिर हम लोग स्पीड अच्छी आ जाएगी जब, तो फिर कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया, आपको समझ में आ गया। देखो जैसे मान लो कि एक हैंड ये है, ठीक है, ये आपका इस तरह से छोटा वाला आर हैंड है, और मिनट वाला हैंड कहीं यहाँ पर है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। इस तरह से ये जो है ना, ये इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये जो हैंड है ये मिनट हैंड है, ठीक है। ये इस तरह से क्या है? मिनट हैंड, ठीक। और वो वाला आपको दिख रहा है आर हैंड, ठीक। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है भाई? एक तो आपको पढ़ना है देखो आर हैंड, और एक आपको पढ़ना है मिनट हैंड, इंपॉर्टेंट है। इसको फुल फॉर्म क्या है इसका? आर यानी कि घंटे वाली सुई, है ना, आर हैंड कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं बताओ? तो इसको हम कहते हैं मिनट हैंड, ठीक है। मिनट हैंड का मतलब क्या हो गया? मिनट वाली सुई, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आर हैंड और मिनट हैंड में यूजुअली जो घड़ियां आपने देखी हैं उसमें बड़ा कौन सा हैंड होता है? आर हैंड की मिनट हैंड बताइए। तो जो आपका ये मिनट हैंड होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो अगर हम साइज़ की बात करें, हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन आने नहीं वाला आपको, है ना, लेकिन साइज़ की अगर बात करें तो मिनट हैंड जो होता है वो बड़ा होता है किससे? आर हैंड से, ठीक है। ये आपको बात पता होनी चाहिए, सिर्फ साइज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। हालांकि वो अपने टाइम पीरियड पर डिपेंड करते हैं, तो यहाँ तक तो कोई क्लियर मतलब नहीं होगा डाउट आपको, तो क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। चलो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन सबसे पहले देखने वाले हैं किसके लिए? आर हैंड के लिए, ठीक है, कि आर हैंड जो है वो किस तरह से मूवमेंट करती है, ठीक है, कितना वो चलती है, क्या करती है, तो सब कुछ हम आर हैंड के बारे में सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। तो आपको एक बात पता लग गई है कि कभी अगर आपको घड़ी बन के आपके सामने आ जाए तो आप ये मान के चलेंगे कि जो छोटी वाली सुई है वो घंटे वाली को रिप्रेजेंट करती है, और जो मिनट वाली सुई है वो बड़ी सुई होगी, ठीक है, यानी कि बड़ी सुई मिनट वाले को रिप्रेजेंट कर रही होगी, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर कभी क्वेश्चन में घड़ी बनकर आ गई, है ना, टाइम ऐसे नहीं दे रहा कि 6:35 हो रहा है, उसने घड़ी बना के दे दी कि अब बताओ कि क्या होने वाला है, तो वहाँ पर ध्यान रखना। चलो जो पहली कैलकुलेशन है आपकी वो होगी आर हैंड के लिए, ठीक है। समझो मैंने कहा कि मेरी जो घड़ी है, ठीक है, जैसे अभी मैं 3 बजा देता हूँ जल्दी से इसमें, ठीक है। देखो अभी कितने बज रहे हैं? अभी इसमें 3 बज रहे हैं। ये घड़ी वाली घंटे वाली सुई है, ये छोटी वाली, और ये मिनट वाली है बड़ी वाली सुई, ठीक है। 3 बज रहा है। घंटे वाली सुई यहाँ जो 12 पे है इस समय, ये वापस 12 पर आने में कितना टाइम लेगी? 1 घंटा लेगी, पक्की बात है। ये कौन सी है? घंटे वाली सुई। तो घंटे वाली जो सुई है, सॉरी ये कौन सी है? ये मिनट वाली सुई है, ठीक है, मिनट वाली सुई पे बात कर रहे हैं। मिनट वाली जो सुई है वो वापस आने में कितना टाइम लेगी बताओ? 1 घंटा लेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम घंटे वाली सुई की बात करें तो घंटे वाली सुई अगर अभी 3 पर है तो ये वापस 3 पर आने में कितना टाइम लेगी? 12 घंटे लेगी, ठीक है, समझ रहे हो? वापस 3 पे आने में कितने घंटे लेगी? 12 घंटे, ठीक है। इस पॉइंट को समझ में आ रहा है ना? मिनट वाली सुई जल्दी भागती है, ठीक है। मिनट वाली सुई जो होती है वो क्या होती है? स्पीड में भी जल्दी भागती है, साइज में भी बड़ी होती है, प्लस स्पीड में भी जल्दी भागती है एज कम्पेयर टू घंटे वाली सुई, ठीक है। तो मिनट हैंड की बात करें तो मिनट हैंड कितने देर में पहुंचेगा? 1 घंटे में पहुंचेगा जहां पर वो है अभी। और अगर आर हैंड की बात करें तो 12 घंटे लग जाएंगे वहां तक पहुंचने में। तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये पूरा वापस घूम के, ये जो आर हैंड है ये वापस घूम के जब यहां पर पहुंचेगा तो इसने एक सर्कल ट्रैवल कर लिया, यानी कि एक सर्कल डिस्टेंस। देखो क्लॉक में जो डिस्टेंस होती है, क्लॉक में जो डिस्टेंस होती है ये एक्चुअली में किस फॉर्म में होती है? ये डिग्रीज की फॉर्म में होती है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है। क्लॉक में डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं? डिग्रीज में मेजर करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो जो आर हैंड है इसने क्या करा? इसने 12 घंटे ले लिए, ठीक है, और 12 घंटे में आर हैंड जो है वो कितना ट्रैवल करता है बताओ? तो 360 डिग्री, समझ में आ रहा है? 12 घंटे में आर हैंड कितना ट्रैवल करता है? 360 डिग्री। कैसे? 3 पे थी अभी आर हैंड, तो वापस 3 पर आने में ये 12 घंटे ले लेगी, और 12 घंटे ले लेगी मतलब एक सर्कल इसने कंप्लीट कर लिया, दैट मीन्स 360 डिग्री इसने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो देखो तो 1 घंटे में जो आर हैंड है
ये कितना ट्रैवल करेगा बताओ, 12 घंटे में से 360 डिग्री ट्रैवल करा, तो एक घंटे में कितना ट्रैवल करेगा बताओ, 360 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 30 डिग्री, समझ में आ रहा है, 360 को मैंने 12 से डिवाइड कर दिया, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक घंटे में ये कितना ट्रैवल करती है बताइए, तो एक घंटे में ट्रैवल करती है 30 डिग्री, इंपॉर्टेंट है ये आपको आगे चल के यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है, रॉन्ग क्लॉक्स में। इसके बाद देखो, आपको पता है एक घंटा बराबर किसके होता है, 60 मिनट के, है ना भाई, आपको पता ना एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो चाहो तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हो कि एक घंटा लिखूं मैं या फिर 60 मिनट लिखूं, तो 60 मिनट में भी तो आर हैंड 30 डिग्री ही घूमने वाली है, क्योंकि भाई एक घंटे की तो मैं 60 मिनट्स कहता हूं, कोई इशू नहीं है। अब एक मिनट की अगर मैं बात करूं तो एक मिनट में आर हैंड कितना ट्रैवल करेगा, 30/60 यानी कि 1/2 डिग्रीज, ठीक है, बात समझ में आया। तो आर हैंड जो है वो एक मिनट में कितना ट्रैवल करता है, तो आर हैंड एक मिनट में आधा डिग्री ट्रैवल करता है, इस पॉइंट को समझ में आना चाहिए आपको, क्लियर हो रहा है, कुछ नहीं है, ऊपर से हम यहां तक पहुंच गए, ठीक है। अब सेकंड में कैलकुलेशन होती नहीं है, तो अगर आप चाहो तो सेकंड में कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, करना चाहो तो, हालांकि सेकंड कैलकुलेशन होती नहीं है। वैसे देखो एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो आप कह सकते हो कि भाई 60 सेकंड्स में जो आर हैंड है वो कितना ट्रैवल करता है, आधा डिग्री, भाई एक मिनट बोलो या 60 सेकंड्स बोलो एक ही बात है, तो एक सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा बताओ, तो एक सेकंड के लिए 60/ में चला जाएगा, यानी कि आप कह सकते हो 1/120 डिग्रीज, ठीक है। हालांकि इसकी यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इस पे क्वेश्चंस नहीं बनते, क्वेश्चन यहीं तक आके सीमित हो जाएंगे। तो ये जो इतना आपको दिख रहा है कैलकुलेशन, ये आपके लिए ईजी मतलब ज़रूरी है, ठीक है, समझ में आ गया आपको अच्छे से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कैलकुलेशन, ध्यान रखिएगा इसको कि 12 घंटे से 360 है, तो उसी हिसाब से हमने यहाँ तक कर लिया, ठीक, ये हमने आर हैंड के देख लिया। अब हम किसके लिए देखने जा रहे हैं, मिनट हैंड के लिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, मिनट हैंड के लिए। मिनट हैंड में क्या है कि अगर मैं बात करूँ तो मिनट हैंड हमारा ये बड़ा वाला है, ठीक है, 12 पे सुई है अभी, तो ये वापस से 12 तक आने में कितना टाइम ले लेगी बताओ, एक घंटा ले लेगी, ठीक है, एक घंटे में ये वापस वहाँ पहुँच जाएगी, मतलब 360 डिग्री ट्रैवल कर लेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि एक घंटे में जो मिनट हैंड है वो ट्रैवल करता है 360 डिग्री, ठीक है, एक घंटे में मिनट हैंड कितना ट्रैवल करता है, 360 डिग्री ट्रैवल करता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, तो एक रिजल्ट तो मेरा आर से ही निकल आता है, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला, याद रखना ये आर हैंड है और यहाँ पे ये कौन है, यहाँ पे ये मिनट हैंड है, ध्यान रखना चीज़ों को, ठीक है, मैं हर जगह लिखता हुआ चल रहा हूँ आर हैंड, और यहाँ पे मैं क्योंकि मिनट हैंड के लिए कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ तो मिनट हैंड लिखूंगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एक घंटे में मिनट हैंड कितना ट्रैवल करती है बताओ, 360 डिग्री, ठीक है। चलो अब आपको पता है एक घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना चलेगी बताओ, 360 डिग्री, कौन चलेगी, मिनट हैंड, ठीक है। अब 60 मिनट में 360 डिग्री, तो बताओ एक मिनट में मिनट हैंड कितना ट्रैवल करेगा, तो 360/60 मतलब 6 डिग्री, तो एक मिनट में मिनट हैंड कितना ट्रैवल करती है, सिर्फ और सिर्फ 6 डिग्री ट्रैवल करती है, याद रहेगा। तो ये दोनों के दोनों जो टर्म्स हैं ये आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। सेकेंड्स में निकालना चाहता हूँ तो वो भी निकाल सकते हो, देखो 60 सेकेंड्स में जो मिनट हैंड है वो ट्रैवल करता है 6 डिग्री, ठीक है, तो एक सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा मिनट हैंड बताओ, तो एक सेकंड में मिनट हैंड ट्रैवल करता है 6/60, दैट इज 1/10 डिग्रीज, ठीक है। तो एक सेकंड में जो आपका मिनट हैंड है वो क्या ट्रैवल करता है, डिस्टेंस 1/10 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से एक ये रिजल्ट भी आपके सामने निकल के आ गया। हालांकि ये जो सेकंड वाले रिजल्ट्स हैं दोनों ही केसेस में ये आपके लिए यूजफुल इतने नहीं होते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिए। जो मेन आपको यूजफुल होने वाले हैं आपके लिए रिजल्ट्स वो क्या हैं, आर हैंड और मिनट हैंड के, घंटे और मिनट वाले, ठीक है। आगे बसन में तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से टर्मिनोलॉजी यहाँ पे समझा दी है कि किस तरह से यहाँ पे चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इतना पहले आज आप पढ़िए, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। और इसमें क्या करना है, जितना मैंने आपको पढ़ा दिया उसको करिए, अभी आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी खत्म नहीं हुई, ठीक है। एक UPSC में एक क्वेश्चन पूछा गया था, सिविल स्टेट सिविल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, तो वो मैं आपको कल क्वेश्चन करवाऊंगा उसका, मतलब नेक्स्ट वाले पार्ट में, तो हम यहीं से वीडियो को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपका काम क्या है कि इतना जो मैंने आपको क्लॉक में समझाया है पढ़ाया है इसको आप अच्छे से रिविजन करो, पढ़ो अच्छे से, ठीक है, और आगे जो वीडियोज़ हैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर आप तक पहुँच जाएँ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच देखने के लिए, और आपको क्या करना है कि भाई पढ़ते रहना है और डेली 2 मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए।